पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट के आंकड़ों को जलेबी की तरह पेश किया है। प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी व महंगाई पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा। सरकार केवल अपने कुप्रबंधन पर लीपापोती करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भिवानी मेडिकल कॉलेज को 2013 से 14 में सांसद रहते हुए श्रुति चौधरी ने मंजूरी दिलाई थी। कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी है, पार्टी का कोई नेता किसानों को नहीं उकसा रहा है। ये आंकड़े जो थे ना, ये बाजीगिरी, इनकी असलियत सामने नजर आ रही थी। और जो कठोर रियलिटी है उसका मायाजाल जो है, जो कठोर रियलिटी जो है ना, इनके मायाजाल से बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई ये है कि आज इतना जबरदस्त ऋण हमारे सिर के ऊपर हो गया है, और जिस तरह से ये एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बना रहे हैं, जो उसकी एक्चुअल एस्टिमेट्स हैं वो बिल्कुल ही कितने अलग निकल के आ रही हैं। सारे के सारे आंकड़े जो हैं पूरी तरह से जलेबी बनाकर ये पेश कर रहे हैं, असलियत के अंदर कुछ रहा ही नहीं है, सारा कुछ खोखला हो चुका है। मसलन तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टेट डेवलपमेंट का जो लोन है जो हमने लिया है डेवलपमेंट के लिए, वो 40,200 करोड़ है। हाँ, रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए 28,161 करोड़ जो है वो रीपेमेंट जाएगी, उसका जो है उसमें से किश्त जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना रह जाएगा, वो जब किश्त चली गई लोन की और जो है आपकी सैलरीज चली गई, पेंशन चली गई, तो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर रह जाएगा 9,317.66 करोड़ ओनली। तो आप ये बताओ 9,317 करोड़ ओनली में इतने सारे डिपार्टमेंट जो इन्होंने बताए हैं, हम फला कर रहे हैं, दिकड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सारा झूठ है ना। फिर क्या करेंगे, एलोकेशंस पॉसिबल, सारे एलोकेशन मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो है इकोनॉमी जो है, ये आप तो डेट ट्रैप के अंदर घुसते जा रहे हैं बुरी तरह से, और आप जो है वो कुप्रबंधन को सही करने के बजाय उसको जो है उसके ऊपर आप लीपापोती कर रहे हैं, है ना। जो इतने सारे जो इनके भ्रष्टाचार के जो मसले आए, रजिस्ट्री स्कैम आई है, और ये जो है शराब का घोटाला है जिसमें अकेले 9,500 का राजस्व है, रजिस्ट्री घोटाले जो हैं उसके अंदर पता नहीं कितना राजस्व है। ये अगर प्रबंध इनका सही हो तो ये जो है इसमें पैसे आ सकते हैं, लेकिन आज जो है GST है इनका जो है पूरी तरह से ये ले रहे हैं, ये कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो गिर चुकी हैं, और सस्ता तेल खरीद रहे हैं और उसके ऊपर इतना टैक्स लगा रहे हैं, तो ये पैसा इनके पास आ रहा है। लॉकडाउन के अंदर कोई काम हुआ नहीं है और फिर भी हमारा ऋण बढ़ता जा रहा है, तो ये तो एक ऐसी पहेली है। मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई ये बताओ तो सही, ये हो क्या रहा है? और ये पूरी तरह से आप कैग की रिपोर्ट आप टेबल नहीं करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बजट के साथ, संविधान रिक्वायर करता है, ये संविधानिक होता है कि कैग की रिपोर्ट साथ में टेबल होती है। पहली बार ऐसा है कि आप कैग की रिपोर्ट नहीं आप टेबल कर रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि कैग की रिपोर्ट सामने टेबल आ गई तो भाई उसमें मसाला निकाल कर हम सारे के सारे इनकी असलियत इनके मुंह पे दिखा देंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं और हम जानते हैं इन चीज़ों को, बहुत इधर उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ये सारे के सारे आंकड़े निकाल के लाए हैं कि किस तरह से आंकड़ों का माया जाल जरूर बिछाया जा रहा है, असलियत के अंदर फोका काम है सारा। नंबर वन, ये मेडिकल कॉलेज कांग्रेस टाइम पे श्रुति चौधरी ने भिवानी के लिए चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे स्वीकृत करवाया था, तो इनका तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है कि ये वाहवाही किस बात की लूट रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। फिर उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के नाम से ये कॉलेज, इसका मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से हुआ, उसका हमने वेलकम किया था उस समय भी, आज भी वेलकम करते हैं, क्योंकि पंडित नेकीराम शर्मा जी चौधरी बंसीलाल जी के गुरु थे, और पंडित जी का नाम से बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी बंसीलाल जी ने वहाँ बनाई है, वहाँ पर उनका जो है बहुत बड़ा स्टैचू भी जो है खड़ा करा है। तो ये जो है उनके नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, और मैंने तो खुद ये मांग करी थी कि भाई चौधरी बंसीलाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी कि मेरे गुरु के नाम पे जो है इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये वाह वाही किस बात की लूट रहे हैं, इन्होंने तो जो पंडित नेकीराम शर्मा जी का नाम बदल के कुछ और नाम रख दिया। वो तो जब वहाँ भिवानी में विरोध होना शुरू हो गया तब ये दोबारा से ये कह रहे हैं कि जी नहीं हम वो रख रहे हैं। अब आप समझते हैं किस तरह की इनकी कार्रवाई है सरकार की। तो इस बात पे मेरे को आपत्ति इस बात की थी कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम से हॉस्पिटल है वहाँ पर जो 1974 से चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि बंसीलाल जी का हॉस्पिटल को अपग्रेड, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके रख रहे हैं, तो मैंने ये कहा आप ये कह दीजिए कि बंसीलाल जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें क्या बुरा कह दिया मैंने कि जो उनके नाम से है वो आप कम से कम उनका नाम तो सदन पटल पे लीजिए।
ऐसे आदमी का जो हरियाणा के निर्माता थे, उनका नाम लेने से आप अगर आज गुरेज कर रहे हैं तो जनता सारी देख रही है। और ये जो है बार बार ये जो सिलसिला आप नाम बदलने का कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। पंडित निकीलाल शर्मा जी के नाम पे हमने स्वागत करा है, पहले भी स्वागत करा था, इस बार भी स्वागत करा है, लेकिन आप इस तरह से नाम बदलते रहो, इससे जो है आपको क्या वाहवाही मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।